सामने दिखाई दे रहा हो कालीन। आज की स्टूडियो में हम कवर करने वाले कालीन और कालीन की क्या रेटेज है, कालीन कितने में तैयार होता है, क्या कालीन का ओनर पैसे देके बनवाता है या मैं कालीन बनाकर ओनर को जाके बेचूंगा। यही नहीं, इसके अलावा छोटे कालीन कितने अरसे में तैयार होता है और बड़ा कालीन कितने अरसे में तैयार होता है और इसकी कीमत क्या है, ये सब हम आज की स्टूडियो में कवर करने वाले हैं। यही नहीं, इसके अलावा कालीन का सिलसिला कितने अरसे से चलता आ रहा है। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में जुड़े रहिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं अफगानिस्तान के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जो मेरा शहर है उसे जोजान के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, आज की स्टूडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अफगानिस्तान में तैयार होने वाली कालीन। आज की स्टूडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कालीन का सिलसिला कितने टाइम से चलता आ रहा है और इसकी कीमत क्या है और इसमें मीटर के हिसाब से पैसे मिलते हैं या ओनर के ऑर्डर पे तैयार होता है या बंदा तैयार करके ओनर को जाके बेचता है, ये सब आप लोगों को आज की स्टूडियो में मैं बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, आइए। तो गाइस, कालीन का क्या तरीकेकार है वो सब आज की स्टूडियो में मैं पूरे डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमारे पास एक मैप है, इस मैप के जरिए इस कालीन को डिजाइन किया जाता है। जाहिर बात है, जब नक्शे के हिसाब से डिजाइन होगा तो उसके लिए इसके ये धागे वगैरह भी दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कालीन है, ये कालीन है, ये 8 मुख्तलिफ कलर वाले धागों से तैयार किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 4, 5, 6, 7, 8 रंग बरंग धागे हमें दिए जाते हैं सूतर, यानी इससे जो है ना कम्प्लीटली तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं कालीन की बात करूं तो ये कालीन हमें ओनर यानी इसका मालिक हमें पे करता है, यहाँ तक कि हर एक चीज जो है ना ओनर की तरफ से मिलता है। ये सारे धागे वगैरह, ये नक्शा और वाइट सूतर, आप लोगों को मैं सूतर भी दिखा देता हूँ, ये पूरा कम्प्लीटली जो है ना इसका सारा सब कुछ जो है ना ओनर की तरफ से मिलता है। और उसके बाद ये कालीन कितने अरसे में तैयार होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये 5 मीटर कालीन है, ठीक है, मीटर के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मीटर की प्राइस की बात करो तो 2100 रुपए पर मीटर है। 5 मीटर के अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 10,500 रुपए बनता है, 5 मीटर के 10,500 रुपए नक्शे के हिसाब से, ठीक है। ये इजी नक्शा है और जितना इजी होगा उतने पैसे कम होंगे और जितना हार्ड होगा तकरीबन 2800 रुपए पर मीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं लोग। अब बारी आती है कालीन कितने अरसे में बनकर तैयार होता है। तो दोस्तों, अगर छोटी कालीन है 30 से 40 दिनों में कंप्लीट तैयार हो जाता है। अगर बड़ी कालीन है यानी फॉर एग्जांपल 15 मीटर 17 मीटर 18 मीटर 20 मीटर हत्ता के 20 मीटर तक भी लोग बनाते हैं, ऐसे में जो है ना वो 3 महीने बाद 3 से 4 महीने बाद 20 मीटर वाला कालीन कट कर तैयार हो जाता है। ये वाइट सूत्र है और ऐसे करके यानी ये दो लहरें नीचे और ऊपर की यानी दरमियान में से इस सूत्र को ऐसे गुजारेंगे, ठीक है, और ऐसे गुजारने के बाद इसको जो है ना इसके साथ ये जो है ना इसको कंप्लीटली कोने तक लेके जाने का काम करता है। बेसिकली वाइट सूत्र का काम ही यही है, इसको जो है ना ऐसे ग्रिप बनाए रखे और लहरों पर लहर लहर पे लहर जो है ना इसको कंटिन्यू करके इसको पूरे मैप को तैयार किया जाए। तो दोस्तों, बेसिकली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अफगानिस्तान के एक छोटे गांव से। जी हाँ दोस्तों, अब बारी आती है आप लोगों को वो बातें बताने की कि ये कालीन कितनी सदियों से चलता आ रहा है। अगर तारीख की बात करूँ तो 2500 साल से ये चलता आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सदियों से हमारे पूर्वजों से ये सारा सिलसिला चलता आ रहा है। किन किन कंट्रीज यानी किन किन ममालिकों में कालीन तैयार किया जाता है मैं आप लोगों को बता दूं। अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, 5 से 6 मुल्कों में कालीन तैयार किया जाता है और सबसे ज्यादा मकदार अफगानिस्तान और ईरान की है, जो इन दो ममालिकों में कालीन काफी बेहद हद से ज्यादा तैयार किया जाता है और ये कालीन तैयार होकर फॉरेन कंट्री एंड यूरोप कंट्री में जाकर बेचा जाता है, यानी इनकी डिमांड सिर्फ फॉरेन कंट्री और यूरोप कंट्रीज में है। तो दोस्तों, कालीन से रिलेटेड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग कालीन की फैक्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने इस पे कंप्लीट एक व्लॉग बनाया हुआ है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, वहां जाके देख लेना इसके सूत्रों को कैसे कलर किया जाता है, बेसिकली इनमें क्या क्या किन किन मराहल से ये ऑनर गुजरता है, इस पर मैंने कंप्लीट व्लॉग बनाया है, जाके वॉच कर लेना। तो आज की वीडियो में यहाँ पे समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, बहुत से कमेंट आए हैं कि आप वीडियो कैसे शूट करते हैं। तो गाइज,
मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा कैमरामैन इस वक्त ये मेरा छोटा भाई है, मेरी बहुत हेल्प करता है जहाँ जहाँ, जैसी जैसी वीडियोस में जैसे वीडियोस बना रहा होता हूँ तो इससे पहले मैं प्रॉपर समझा देता हूँ, ये एंगल ऐसे शूट होगा, ऊपर से ऐसे मैं नीचे बैठा हूँ, ऊपर के एंगल से आप शूट करो ऐसे, या सामने के एंगल से ऐसे, मैं सारा गाइड करता हूँ, उसके बाद जो है ना ये सारा प्रॉपर काम करता है। आई होप समझ आ गए होगा।